बर्बाद हो गया इनका हिसाब चाहिए हमें संथाल में संथाली वो हमें संथाली में चाहिए आदिवासियों को प्लान के तहत बर्बाद किया जा रहा है। आपका संविधान में अगर आपके संविधान में अगर धंधा कनेक्शन करना जायज है वो हमें दिखाइए। बस यहाँ आपको डर लगता है इसका पत्नी ये है, ठीक है ना। इसके साथ तो हुआ जो मारपीट हुआ है, उनके साथ भी लात 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 गुस्सा भी हुआ है। अभी तक इसलिए बुलाया गया है, अभी तक किया गया दूसरा अरे नाम बताओ, आप मेरा नाम जानते हैं? आज किस संदर्भ में आप लोग का रोड जाम हुआ है, बताइए डिटेल्स। देखिए आज जो यहाँ रोड जाम है, एक्चुअली ये 23 तारीख का घटना है, और 23 तारीख जो लकड़ाकुंदा गांव में लड़का सब को कलेक्शन कर रहा था सरस्वती पूजा का, और उस क्रम में हमारे भगदाहा का ही जो मैंने अपना पति पत्नी लेके वो लोग उधर जा रहे थे, उस क्रम में उससे पैसा मांगा गया, और पैसा मांगते क्रम में इन लोग बोला कि हम लोग पहले ही पैसा दे चुके हैं, तो बोला कि नहीं नहीं रसीद दिखाइए। तो इन लोग रसीद दिखाने में असमर्थ हो गए, क्योंकि 10% का पर्ची था, इधर कहीं हो गया है, तो उसी के इनमें नोकझोंक हो गया। उसी क्रम में ही वो लोग 10-12 लड़का था, और दोनों को गाड़ी से खींच के निकाल करके बेरहमी से पीटा गया, और जो एक जो उसका पत्नी थी वो पत्नी को तो शायद वो बोल रही है कि पेट से थी 2 महीने का, वो भी बेचारा वो इस घटना के चलते उसका नष्ट हो गया। और इसी के आक्रोश में हम लोग आदिवासी समुदाय मांझे परगना के माध्यम से हम लोग इस रोड को जाम किए हुए हैं, और प्रशासन से हम लोग मांग कर रहे हैं कि अविलंब
उन लोगों को गिरफ्तार करें, अन्यथा हम लोग रोड से नहीं हटने वाले। मेरा नाम विजय कुमार टुडू और मैं जबरदा का मांझी बाबा भी और आज यहाँ पर हम लोग रोड जाम किए हैं। संथाल समाज का जो मांझी परगना व्यवस्था है, मांझी परगना व्यवस्था के तहत हम लोग आज इस ये साहेबगंज गोविंदपुर हाईवे को जाम किए हैं मोटा मोटी 12 बजे से, दोपहर 12 बजे से। तो मतलब 23/1/2023 को जो सरस्वती चंदा वसूली के नाम पर जो मारपीट हुआ था, ठीक है, तो उसमें जो महिला थी एक, तो उसके पेट में लात मारा गया था, जिसके चलते उसमें उसके पेट पर पल रहे बच्चा भी वो नष्ट हो गई, गर्भ में पाल रहे जो बच्चे थे वो भी नष्ट हो गए। तो और यहाँ पर जो पुलिस प्रशासन यहाँ अभी तक वो लोग जो मतलब वहाँ के जो दोषी हैं उन सबको अभी तक अरेस्ट नहीं कर पाए हैं, जिसके चलते यहाँ हमारे आदिवासी समुदाय के लोग काफ़ी आक्रोश हैं। हम लोग का यही डिमांड है कि मुजरिमों का जल्द से जल्द मतलब गिरफ्तारी हो, और दोबारा मैंने जब भी जैसे पूजा तो हर कोई करता है ना, यहाँ भारत में सबको कोई भी धर्म मनाने का उसका स्वतंत्र अधिकार है, लेकिन ऐसा क्यों कि आप एक समुदाय को मतलब इतना एक चंदा के नाम पर उससे इतना जबरदस्ती करिएगा, उसके साथ मारपीट कीजिएगा, ये क्या नियम है, ये क्या व्यवस्था है, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि ठीक है, भारत देश का हम लोग बात नहीं करेंगे, संथाल परगना में खास करके यहाँ 5th शेड्यूल एरिया भी पड़ता है, अधिसूचित क्षेत्र भी पड़ते हैं, इसलिए यहाँ का स्वशासन प्रशासन और उसका नियंत्रण मांझी हड़ाम लोगों को रूढ़ी प्रथा के तहत अनुच्छेद 13(3) का जो रूढ़ी प्रथा है उसके तहत यहाँ उन लोगों को व्यवस्था में मतलब संवैधानिक अधिकार प्राप्त है। तो इसलिए हम लोग यही चाहेंगे कि आदिवासियों से कभी भी इस तरह का रोड में चंदा वसूली जैसे कि ना हो, यही हम लोग जिला प्रशासन से मांग करेंगे।